sam sam pam 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 jam jam chum chum dram dram drin drin drav drav narate bhagavate srimate pavitra jan vishwamite swaha tirtham shirvar virupate snapyam saptanjanam sarvarte siddhiganam purcha kara ओम रीं शुभादी वीरांताजन सभयामी स्वाहा ओम रीं शुभादी वीरांताजन सभयामी स्वाहा क्रीं राम रीं रूं रीं रूं रो द्राम द्रीं नमो रो द्रव द्रव नमो रते भगवते श्रीमते ठोट श्री शांति धरा करता जितेंद्र जी काले परिवार से हुकुमचंद भूरे परिवार से समस्त शांति धरक रोहन अगरकर परिवार से स्वप्निल काले परिवार से अरुण महेंद्र काले परिवार से सचिन काणे परिवार से सुरेंद्र का ब्रह्मचारी सुरेंद्र काले परिवार से समस्त शांति धरा करता परिवार से श्री रस्तु वृद्धि रस्तु तुष्टि रस्तु पुष्टि रस्तु शांति रस्तु कांति रस्तु कल्याण मस्तु स्वाहा समस्त शांति धरा करता परिवार से कार्य सिद्धार्थम सर्व विघ्न निवारणार्थम सर्वे श्रीमद भगवद अरत सर्वज्ञ परमेष्ठी परम पवित्राय नमो नमः समस्त शांति कथा परिवार से शांति भट्टारक पादपं प्रसादात सद्धर्म श्री बलायुध्य ऐश्वर बुद्धिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्गम प्रसन्नंतु नः ओम वृषभदाय श्री वर्धमानापर्यंत चतुर्विंशति अनंतो भगवंत सर्वज्ञ परमंगल परमंगल नाम धिया समस्त शांति कर्ता परिवार से इमित्रंच सिद्धिं प्रणवंतु सद्धर्म कार्येषु इमित्रंच सिद्धिं प्रयुञ्जंतु नः ओम नमो अरते भगवते श्रीमते श्रीमत् पार्श्वतीर्थंकराय श्रीमद्रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजोमूर्ते प्रभामंडल मंडिताय द्वादश सहिताय आनंद चतुष्टय सहिताय समोचरण केवल ज्ञान शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट चतुर्विंशति गुण संयुक्ताय परमेष्ठी परम पवित्राय सम्यक् ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य महिताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुख संपदाय आप रूप को जान पनोषु सम्यक् ज्ञान कला है। पंडित दौलत राम जी ने अपनी छढ़ाला की सरल भाषा में सम्यक ज्ञान की परिभाषा बताते हुए यह कहा है, अपने स्वरूप का जान लेना ही यही सम्यक ज्ञान है और यही कला है। लेकिन जब सम्यक ज्ञान की परिभाषा को, क्योंकि सम्यक ज्ञान को ही प्रमाण कहा गया है और इस सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहने के कारण सम्यक ज्ञानम प्रमाणम ये जैनियों ने प्रमाण का लक्षण बनाया, तो आचार्य समंतभद्रदेव ने सम्यक ज्ञान की परिभाषा को बिल्कुल सामने रख दिया। अन्यून मनतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीतात् निस्संदेहम वेद्य दावस्तज्ञान मागेम्य। अर्थात उनका कहना है कि आगम के जानने वाले वेत्ता जो होते हैं वो किसे कहते हैं और क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं कि सम्यक ज्ञान वही है जिसमें न कम हो न अधिक हो। अन्यून मनतिरिक्तम, जैसे तथ्य हैं वैसे ही तथ्य होना चाहिए, विपरीतता से रहित और संदेह से रहित। तो इसके लिए तीन शब्द बहुत अच्छे प्रयुक्त किए जा सकते हैं, अनिश्चितता, विपरीतता और संदेह से रहित जो ज्ञान होता है वह ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। विज्ञान भी जिसे साइंस कहते हैं, साइंस के संदर्भ में जब अपन सोचते हैं तो वो भी यही बात कहता है कि जिसमें अनिश्चितता ना हो, निश्चितता हो। दूसरे नंबर वो कहते हैं विपरीतता ना हो और संदिग्ध डाउटफुल पोजिशन ना हो, वही ज्ञान विज्ञान कहलाता है। सिस्टमेटिक नॉलेज, सिस्टमेटिक कंप्लीट नॉलेज इज साइंस। विधिवत ज्ञान को जो कि पूर्ण हो उसी के लिए ही हमारे यहाँ विज्ञान कहा गया है। लेकिन अब हमारे सामने सबसे बड़ी बात आती है, सम्यक ज्ञान को संशय विमोह विभम विविज्यम अपपर सरूवस गहनम सम्मानम सायार मनी भी हम चे। वहाँ पर एक बात कहते हैं कि सम्यक ज्ञान क्या चीज़ है, संदेह विपरीतता और अनिश्चितता से जो रहित ज्ञान है, इसके लिए ही हर भाषा में हर परिस्थिति में सम्यक ज्ञान को ही आचार्यों ने क्या कहा, जो संदेह विपरीतता से रहित वही सम्यक ज्ञान है। लेकिन अब परिणाम हमारे और आपके सामने ये आता है कि हम लोग जिसमें अनिश्चितता होती है या जो हमें जैसे कोई भविष्य बताता है हम भविष्य पर उससे ज़्यादा विश्वास करते हैं जो भविष्य अनिश्चित बताया जाता है, पर हम उस पर पूर्ण विश्वास कर लेते हैं, चाहे कुंडली का हो, चाहे वह तोता से निकाले हुए लिफाफे हों, चाहे वह
ऋतु विज्ञान चंद्र ग्रहों के आधार पर हो, नक्षत्रों के आधार पर हो, कोई भी भविष्य जो हमें बताया जाता है, ज्योतिष भविष्य हो या अंक ज्योतिष से हो, इनका ज्योतिष जो होता है, इनका जो भविष्य बताया जाता है, ये एक संभावना का संकेत के आधार पर बताया जाता है। जैसे मौसम विज्ञान बताता है कि आज बारिश, भारी वर्षा हो सकती है, लेकिन हम देखते हैं कि जब भारी वर्षा की घोषणा की जाती है तो एक बूंद भी पानी नहीं गिरता है, और जब ये कहते हैं कि अभी वर्षा नहीं होने वाली है तो समय झमाझम बारिश हो जाती है।